नमस्कार दोस्तों, एन के फर्नीचर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम हथौड़ी के लिए एक परमानेंट इलाज। ये छोटी सी वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो हो सकता है आपकी हथौड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस हत्ते को हमने इस हथौड़ी के अंदर अच्छी तरीके से फिट कर लिया है और अब इस जुगाड़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपनी लकड़ी बाहर है इसको पहले इसके नाक से काट लेते हैं। तो जैसे कि हमने इसको काट लिया है, अब इस हथौड़ी को हम इसके अंदर से निकाल, इसको साफ कर देंगे ताकि ये गांठ वांठ ना रहे। और अब करते हैं हम इसके अंदर एक देसी जुगाड़। तो हम क्या करेंगे, कटर मशीन की मदद से इसमें एक खांचा निकाल लेंगे ऐसे खड़े में। तो इसके बराबर से निकालने वाले हैं। तो इसको और इस हथौड़ी को इसके अंदर वापस से डाल देंगे। अब दोस्तों हमको जरूरत पड़ेगी एक साइकिल की, हमारे पास एक टू है। तो इसको क्या करते हैं, इस हथौड़ी के अंदर के साइज से इसमें से एक लंबी लीवी काट लेते हैं। तो हम काट लेते हैं एक बार के लिए और इसके छोटे छोटे दो टुकड़े कर लेंगे। ये दो पीस ले लिए हमने और इसके अंदर दोनों साइड एक एक पीस फंसा देंगे। ये फंसा दिया हमने और या इन दोनों को एक साथ में फंसा सकते थे, तो इन दोनों को हम एक साथ में करके फंसाएंगे। जैसे कि हमने फंसा लिया है और अब जरूरत पड़ेगी हमको एक फाटी की। तो हमारे पास फाटी है लोहे की, तो इसके दोनों रबड़ जो हमारे टू है इन दोनों के बीच में फंसा कर और इसको अच्छी तरीके से हम ठोक देते हैं। तो अब इसको बसूले से या हथौड़ी की मदद से इसको फाटी को इसके अंदर ठोकने वाले हैं। तो ये जितनी ठुकनी थी उतनी ठुक चुकी है और अब हम क्या करेंगे, इसको टूब को भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। देखिए दोस्तों, इसकी अच्छी तरीके से पकड़ हो गई है तो लोहे की फाटी इसके अंदर जा नहीं रही है। देखिए अब ठोक के देखते हैं इसको। अब ये जो फाटी है इसको हमको ग्राइंडर से काटना ही पड़ेगा। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हमारी ये लकड़ी सूखेगी तो हमने ये टायर वो टूब फंसाया है इसके अंदर, तो ये लकड़ी सूखेगी तो ये जो रबड़ है उसकी जगह टाइट होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बढ़िया है। तो इसको हम काट लेते हैं दोस्तों। ये जो हमारी लोहे की फाटी है अब हम इसको ग्राइंडर मशीन की मदद से इसको काट लेते हैं। तो दोस्तों ये जुगाड़ कैसा लगा आपको? अगर आपके पास इससे भी बढ़िया जुगाड़ है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे और उस भाई का नाम भी लेंगे। दोस्तों हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आपको हमारे तरीके अच्छे लगते हैं तो ही उनसे यूज़ किया करें, वरना आप अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।